हेलो 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 सारे माइक वाले वॉल्यूम बढ़ा दो चाटी की वॉल्यूम बढ़ा दो सर चाटी भैया देख रहे हो चेक करने के बाद ब्रेक ना करो और खोलिए भैया अभी सीटी को से दूर है और बढ़ा दीजिए जी छोड़ जीएसटी नहीं लगेगी सोचते तो हम भी हैं कि परदेश जाएं कमाने को मगर ये आप सबकी मोहब्बत जो कहीं जाने नहीं देते संजय भैया भैया संजय भैया आज पूरा कार्यक्रम आप ही सुन रहे हैं ये संजय महाभारत से कम नहीं है बेटा समझते रहिए बढ़िया गीत भैया की तरफ से सुने हैं सबीर भैया जी ने यथाशक्ति आपने जवाब दिया है और आपने सवाल भी बढ़िया दिए हैं बढ़िया बहुत अच्छा बता बहुत अच्छे बढ़िया बढ़िया महाराज जी एक जगह कथा के लिए बहुत बड़े व्यास बुलाए गए व्यास और जैसे व्यास जी गए कथा बोलने के लिए तो देखा कि बड़ा हॉल था बड़ा मंच सजाया गया लेकिन श्रोता केवल एक बैठा था महाराज जी ने कहा कि अब एक श्रोता को क्या कथा सुनाए लेकिन श्रोता ने कहा महाराज नाराज मत होना एक गुजारिश करूं बोले क्या बोले मान लीजिए आपके पास 100 घोड़े हैं और 99 मौके पे नहीं है तो क्या एक घोड़े को घास नहीं डालोगे बताइए तर्क बढ़िया था और क्या अब महाराज जी लगे कथा सुनाने सुनाते ही जा रहे उस श्रोता ने कुछ देर तक तो वाह वाह करी वाह थोड़ी देर बाद करने लगा तो व्यास जी ने कहा कि भाई साहब क्या हुआ तुम्ही ने तो कहा था कि कथा नहीं सुनाओगे जो सुना रहे हैं तो श्रोता ने कहा महाराज हमने ये कहा था कि ये घोड़े को घास नहीं डालोगे हमने ये नहीं कहा था कि 99 घोड़ों की घास लेके घोड़े को पटक दोगे समझो समझ रहे हैं समझो Yeah.
का सनम अखियां आंखों से बरसी बरस जाएंगी, बात भूली बिसरी जाए तरस जाएंगी, वो सुबह आएगी सनम, सुबह आएगी सनम, सुबह आएगी सनम, और सुबह से पहले जाना नहीं तुम्हें मेरी कसम। पिया पी रही हूँ, सिया सी रही हूँ, जिया जी रही हूँ, समझो समझो सुबह आएगी सनम। आइए समीर भैया जी, आपके सुंदर से कट पीस का मेरी ओर से छोटा सा जवाब, छोटा सा। जिस समय सत्यनारायण के प्राण लेकर के यमराज जी चल दिए, सावित्री पीछे पीछे जा रही है, यमराज ने कहा कि देवी वापस लौट जाओ, नहीं मैं वापस नहीं लौट सकती हूँ, तो कुछ वरदान मांग लो, लेकिन मैं तुम्हारे पति के प्राण वापस नहीं कर सकता, कुछ वरदान मांग लो। तो सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर के नेत्रों की ज्योति वापस आ जाए। यमराज ने कहा एक वस्तु, ऐसा ही होगा। फिर यमराज आगे आगे, सावित्री फिर पीछे पीछे, यमराज ने कहा कि देवी कुछ और वरदान मांग लो, तक कहा कि महाराज मुझे 100 पुत्र होने का वरदान प्राप्त करिए, बोले एक वस्तु, ऐसा ही होगा, 100 पुत्र होंगे। सावित्री फिर पीछे पीछे, यमराज ने कहा अब क्या हुआ, बोले आप पूछ रहे हो कि क्या हुआ, और क्या, बोले क्यों, बोले मेरे पति के प्राण लेके जा रहे हो और 100 पुत्र होने का वरदान भी दे रहे हो, जब पति ही नहीं होंगे तो पुत्र कहां से होंगे महाराज। जर सुनेगा दीवार सुनिए कि हाथ जोड़ कर किया मोर से कहती है सती, मेरे पति के प्राण लेकर के आप जा रहे हैं तो गम के बादल छा गए थे, लेकिन आपने पुत्रवती होने का वरदान दे दिया, भैया जी पुत्रवती होने का वरदान दे दिया, तो हे प्रभु गम के बादल पे छाए और छा रहे हैं अभी, पति आने से गम के बादल छा गए और आपने ये वरदान दे दिया तो फिर से बादल छा रहे हैं। तो यमराज ने भेजी सती के आगे रह गए हाथ मल के, सती के आगे रह गए यम हाथ मल के, और लौटाया यम ने पति नियम बदल के, जब लौटाया तो प्रेम के गीत गाए, हम
तुमने हमेशा साथ में जीवन में साथ में रह रहकर प्रेम के गीत गाए, जब पति मिल गया तो प्रेम के गीत गाए गा रहे हैं अभी कि पाए थे जो पिया। जब मेरा विवाह हुआ तो मुझे मेरे प्रीतम मिले और यमराज आज लेकर के जा रहे थे, लेकिन आज आपने फिर से लौटा दिया तो पाए थे जो पिया वो पा रहे हैं अभी। का छोटा सा जवाब रहा सनम बेवफा। एक गीत और बढ़िया आपका आया है, कौन सा बेटा कौन सा? शब्बीर भैया भैया भाई साहब एक नजर डालो हम लोगों पर, क्या बात है, कहाँ है? अरे तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है? क्या जाने की सजा की मुझको मिली सजा है, दीवाना कर रही है तेरी ये जो अदा है। बिना बताकर वो तारा जा रही है, सजन को छोड़कर वो सजनी जा रही है, सजन को छोड़कर के सजनी जा रही है। अजन सबीर भैया, तमाम प्रसंग आते हैं, तमाम तरह से जवाब लाया जा सकता है।
आकर सजन को छोड़कर सजनी जा रही है, वो साधारण जवाब बन जाएगा कि सजन से मिलने वो सजनी आ रही है। लेकिन ये जवाब मत देना, हमें अच्छा नहीं लगता। चले दूसरा एक और प्रयास देखें। ये क्या बात है बेटे, ये है पढ़ाई लिखाई के मजे। कई तरह से जवाब बन सकते हैं। और क्या सुबीर भैया जी सुनेगा, हल्के सीधे टेढ़े मेढ़े नहीं। सुनेगा कि देखो जी सूर्य वंश में दम की है बदल छाती, जब जानकी जी को वन में भेज दिया गया, लेकिन उसके बाद जब पुनः लव और कुश से युद्ध हुआ, इधर लव कुश दोनों भाई इधर अयोध्या से चारों भाई पहुंच जाते हैं, जब युद्ध हुआ और उस युद्ध में पहचान गए राम जी, और जब पहचान गए भैया जी, गीत को सुनेगा जवाब दे रही हूँ सबीर भैया। जानकी जी भी आ पहुंची, और जब जानकी जी आ गई राम जी से मिली, लेकिन फिर वहाँ किसी ने व्यंग कर दिया। जिस समय उस समय व्यंग किया था, उसी तरह फिर से व्यंग हो गया जानकी जी के लिए। इतने दिनों जानकी जी वन में रही, क्या जानकी जी अभी भी पवित्र है? जब फिर से सवाल उठ गया, और जब सवाल उठाया तो माता जानकी ने कहा, हे आता, हे आकाश, हे अग्नि, हे पवन, हे जल, हाँ अगर मैं आज भी पवित्र हूँ तो माता धरती मुझे स्थान दे। सूर्य वंश में दम की है बदल छाती, सीता की लख दशा, सीता की लख दशा को धरती की फटती छाती, अरे सीता की लख दशा को धरती की फटती छाती। और माता धरती आ गई कहती, सीते सीते इस दुनिया में लगता है कि रहने का कोई काम नहीं है, क्योंकि ये दुनिया ऐसी हो गई है कि सीता पर उंगली उठा रही है। तो सीता तुम्हें इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए। सीता जान, सीता जी जब धरती में समाने लगी, सबीर भैया जी लव और दोनों सुकुमार खड़े हैं, करे माँ आप मुझे भी छोड़ कर जा रही है। तो तुमने किसी की ममता को, ये अपने इस ललन को आप करे सजन को, बड़े भैया सबीर भैया जी सुनेगा, अरे तुमने किसी की ममता को लगते हुए देखा है, अरे ये अपने ललन छोड़कर माता जा रही है। अपने ललन को छोड़कर माता जा रही है, क्या बात है भैया जी सुनेगा एक टुकड़ा और सुनना सुनिए। अरे तह कर के जन्म उसे तो जल में उसे बहाया, आप गंगा माँ के लिए ले रहे हैं तो मैं उसी बल से भेज ले रही हूँ, सुनेगा सुनिए। अरे ले अर्थ करके जन्म उसे को जल में उसे बहाया, अरे कुंती ने नहीं जरा भी, कुंती ने ना जरा भी माँ का फर्ज निभाया। तो तुमने किसी की नैनन को, तुमने किसी की नैनन
ललन को। भैया जी उधर माता जानकी अपने दोनों कुमारों को छोड़कर के गई है और इधर इधर कुंती ने कण को लेकर जल में बहा दिया। क्या बात है, सुनेगा देखो अब ललन को माता वो जा रही है। अरे अपने ललन को छोड़कर माता वो जा रही है। अरे गंगा ने गंगा जल अपने ललन बहाए। सुत वो आठवा वो जमीमा तो तज के जीवन जाए। अपने ललन को छोड़ कर माता जा रही है। छोड़ गई जिसका नाम पड़ा देवव्रत, उसी का नाम पड़ा भीष्म पितामह। अपने ललन को छोड़ कर माता वो जा रही है। अपने ललन को छोड़ कर माता वो जा रही है। मेरी ओर से छोटा सा प्रयास रहा है, क्योंकि अब धीरे धीरे समय बढ़ रहा है। बड़े भैया संजीव भैया जी, उस समय को देखते हुए गीत गा रही हूँ जिसमें कोई सवाल नहीं है। ना बेटा ना, समय को देखकर गीत गाओ, क्योंकि 2:80 हो चुका है, यानी कि 3:20। एक गीत फिल्म दरी वाले ने गाया है, कौन था? सबीर भैया जी, जवाब देना हो दे देना, ना देना हो कोई बात नहीं। और क्या, और क्या? क्योंकि बहुत कठिन नहीं साधारण गीत है और आज के समय को देखते हुए आ रही हूँ। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। कि जब जानवर कोई इंसान को मारे, संभल के
सुने समीर भैया, तब और अब, तब तब और अब में बहुत अंतर हो गया। और क्या, और क्या बताओ? तब में और अब में क्या अंतर है, गीत के माध्यम से बता रही हूँ। सुनते रहिए। तमाम दुनिया है। और क्या, तमाम दुनिया यानी कि बहुत सी दुनिया। सुने, इसी दुनिया में बहुत सी दुनिया है। दुनिया में दुनिया। बहुत सही बेटा, बहुत बढ़िया। समीर भैया, कि जब राम भरोसे थे। भैया जिंदगी कैसे चल रही? राम भरोसे चल रही भैया, जिंदगी कैसे चल रही? राम भरोसे चल रही। काम कैसे चल रहा भैया? राम भरोसे चल रहा है। जब राम भरोसे थे तब सुखी जीवन था, अब राम की दुनिया को छोड़कर दाम की दुनिया में गुम हो गया इंसान, चाहत की दुनिया को छोड़ स्वार्थ की दुनिया में गुम हो गया। कहाँ कहाँ गुम हो रहा है सुनिए। जब सुबह शाम घर में, ऐसे अभी भी कई घर हैं जहाँ ये नियम चल रहा है, लेकिन बहुत से घर हैं जहाँ ये सब बदल चुका है। क्या बात है, क्या बात है बेटा? जब सुबह शाम घर में मंत्र जाप हो माँ बाप होते थे, बेटे के लिए भगवान माँ बाप होते थे, माँ बाप की दुनिया को छोड़ माया की दुनिया अपनों की दुनिया को छोड़ दौलत की दुनिया में हो गया। समीर भैया, जब घर घर में अतिथि भगवान होते थे, अतिथि देवो भव। हाँ, पहले आज भी कुछ जगह है अतिथि देवो भव भैया जी, तो अब तो कहते हैं अतिथि भगो भगो अतिथि फटा दो गो, क्योंकि भैया एक जगह देखने को मिला सबीर भैया, सबीर भैया 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 कुछ ना लिखो, कुछ ना लिखो, बस आप मुस्कुराते रहो। और क्या, थोड़ा और मुस्कुराइए, थोड़ा और जरा सा मुस्कुराइए, क्योंकि आप कैमरे की नजर में हो। एक एक जगह अतिथि देव आए और जाने का नाम ही नहीं ले रहे। पंडित और पंडित पंडिताइन बड़ी परेशान है कि ये तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे। हाँ, तो पंडित जी ने कहा कि ये एक युक्ति है। बोले क्या? बोले हम दोनों आपस में लड़ाई कर लें। तो पंडिताइन ने कहा कि हम और आप तो कभी लड़े ही नहीं है। बोले सच्ची में थोड़ी लड़ने, झूठे झूठे लड़ लेते हैं। तो पंडित और पंडिताइन में लड़ाई हो गई। पंडित जी लड़ने लगे, पंडिताइन बोले जाओ हम भोजन नहीं बनाएंगे। बोले मत बनाना। पंडित जी चुपचाप निकल लिए। अतिथि देव ने कहा कि जब भोजन ही नहीं बनेगा तो हम रह के करें क्या? और क्या, उस अतिथि ने मेहमान ने धीरे से अपना बैग उठाया और निकलते बने। पंडित जी थोड़ा ज्यादा गुस्सा हो पड़े। अच्छा, पंडिताइन पर पंडिताइन लगी रोने।
तो पंडित जी ने कहा काय रो रही हो, हमने सच्चे सच्चे थोड़े डांटा, हम तो झूठे झूठे डांट रहे थे। तो पंडिताइन चुप हो गई। और क्या, उधर से पूरे अतिथि देव चले आ रहे हैं। अतिथि देव बोले हम भी सच्ची सच्ची थोड़ी गए थे, हमारे तो झूठे झूठे गए थे। लेकिन सच्चाई यही है भैया जी, अब केवल प्रेम इसमें गांव में रह गया है, शहरों में नहीं है। गांव में आप जाएंगे, कल्पना जी आई हैं, बिस्कुट हो जाए, नमकीन ले लीजिए, बर्फी का पीस ले लीजिए। बेटा कल्पना, बेटा कल्पना, तुम मेरे यहाँ पहली बार आई हो जौनपुर में, एक दाना खीर खा लो, एक दाना मेरी तरफ से एक खीर और खा लो। ये हमारे यहाँ की सभ्यता है, गांव का विशेष करके। और क्या, गांव का व्यक्ति जब शहर में जाता है तो चाय नमकीन बिस्कुट तो छोड़ो, खड़ा नहीं होने देंगे। सही है। Who are you? I don't know you. So please tell me where are you living? बड़ा परेशान गांव का व्यक्ति। बोला बड़ा बोला, बड़ा सादा, बड़ा सच्चा है। अरे तेरे शहर से तो मेरा गांव अच्छा है, क्योंकि वहां मैं मेरे पिता के नाम से जाना जाता है, और तेरे शहर में मकान नंबर के नाम से पहचाना जाता है। गांव में कटे फटे कपड़ों में भी तन को ढाका जाता है, मगर शहर में खुले बदन पे टैटू छापा जाता है। शहर में चीखों की आवाजें दीवारों से टकराती हैं, मगर गांव में दूसरों की सिसकियां भी सुन ली जाती हैं। शहर के शोर शराबे में कहीं खो जाता हूँ, मगर अपने गांव में टूटी खटिया पर भी आराम से सो जाता हूँ। जब घर घर में अतिथियां भगवान पुण्य की दुनिया को छोड़कर पाप की दुनिया में दिखाने के लिए पुण्य कर रहे, भागवत करा रहे हैं, दिखाने के लिए भागवत करा रहे हैं, लेकिन उनको कोई मतलब नहीं है भागवत से। और पंडित जी भागवत कर रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं भागवत से। वो अपने अर्थ देख रहे हैं कि हमारी अर्थ की व्यवस्था कितनी हो रही है, और वो कराने वाले ये सोच रहे कि हमारा वैभव कितना बढ़ रहा है। बाकी वो कथा से कोई लेना देना नहीं है। और क्या समीर भैया, पहले भैया पहले ये पता चलाओ कि दुर्गेश भैया बात को सुन तो नहीं रहे। नहीं, वो वक्ता बढ़िया वक्ता है, वो तो बढ़िया वक्ता, ये तो हम जानते हैं। आजकल के तमाम तरह के वक्ता हो गए महाराज। कथा चल रही, कथा में एक श्लोक नहीं है। किसी ने पूछा महाराज कथा में श्लोक तो एक नहीं, बोले कथा श्लोकों के लिए थोड़ी, कथा श्लोक को थोड़ी, कथा तो उस लोक के लिए कर रहे हैं। यह अब पुण्य की दुनिया को छोड़कर पाप की दुनिया जियो की सिम हाथ हाथ में है, जियो की सिम सभी हाथ में है, प्रभु चैन से जीवन नहीं दे रहे। जियो की सिम सवन हाथ में है, प्रभु चैन से जीवन नहीं दे रहे। घर से जीवन, घर से जीवन बीमा कर ले गए, प्रभु चैन से मरण नहीं दे रहे। धंधा नयो करण नहीं दे रहे, पैसा घर धरन नहीं दे रहे। जीएसटी अलग लागू है। तो ये मोबाइल जो है भैया जी, इसने सब कुछ खत्म कर दिया। किसी के पास दो मिनट का समय नहीं है किसी से बात करने, मोबाइल में ही लगे हैं। इतना इतना मोबाइल में लगे हैं लोग कि
सब कुछ भूल गए, ज्ञान ये घोटे तो सब मोबाइल में देख रहे। बोले अब कराना क्या है, आरती हो रही, मोबाइल बजा दिया, गाने नहीं है, आरती चल रही है। और क्या चल रहे, अब ज्ञान की दुनिया को छोड़, ज्ञान की दुनिया एक टुकड़ा और मेरी ओर से है। सबर भैया फिल्मी दुनिया वालों ने एक गीत गाया है, शरम से मारे लाल पड़ गया अंग मेरा बादामी, ये तर्ज है मर्ज से कि घर में हुई बिटिया तो लोग कहते हैं बिटिया रानी रानी, ओ भैया के कहने लगा ये है बहना रानी, ओ ब्याह लगा जब होने तब बन गई दुल्हन की बहू रानी होती है घर की लक्ष्मी रानी, हो फिर काम कराया रानी पर तो बना दीजियो नौके रानी, अरे हुए अत्याचार रानी पर तो उठा ली तलवार बन गई झांसी की रानी। ये तो रानियां हैं लेकिन राजा भी कम नहीं है ना, फलों में आम राजा,
जंगल में शेर राजा, कई कई मन के राजा, कभी कभी अंधे में काने राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी और टके शेर खाजा। लेकिन भैया जी, अरे पैदा हुआ तो बेटा राजा, घर में जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे ज्यादा खुशी होती है दादा, यानी लड़के के बाबा को, क्योंकि बाबा जी कहते हैं कि जब मेरे बेटे का बेटा दौड़ के आता है, कहता बाबा 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 बाबा। जब मेरे बेटे का बेटा दौड़ के आता, कहता बाबा बाबा, तो मन करता कि बाबा हो जाओ, मैंने कहा अच्छी बात है बाबा हो जाओ। सुन बच्चे की तोतली भाषा, अब तो शर्म खाओ, चौथापन होने को आया, अब तो बाबा हो जाओ। बोले मन तो बनाते कि बाबा हो जाए, लेकिन प्लान कैंसिल हो जाता है। क्यों? बोले बेटे का बेटा कहता बाबा बाबा, तो मन कहता बाबा हो जाओ, लेकिन तभी बेटी का बेटा आता, कहता ना 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 बोले मना कर देता है। सुने भैया, अरे पैदा हुआ तो बेटा राजा बना भैया बेटा। मन के राजा है, जब घर पे आना तब आना, नहीं आना तो नहीं आना, और जैसे ही चक्कर पड़े यानी भावर पड़ी, उसके बाद फिर राजा उसके अपने मन के राजा नहीं रहते। ना बेटा, जहाँ गृह मंत्री आ गए घर में, फिर देखो राजा की हालत। ब्याह लगा जब होने तो बन गया दूल्हे राजा, जब से भावर पड़ी तब से ऐसे चक्कर में पड़ गए, तो फिर वो बना फूलों का बेल, जाना कहीं नहीं, बस चक्कर काटा है, यही जीवन धारा है, जाना कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी चक्कर काट रहे हैं, चक्कर पे चक्कर, घर चक्कर 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 घर। सभी लोग जानते हैं भैया जी कि शादी के पहले कहते मिलने कब आओगी, शादी के बाद कहते मायके कब जाओगी, शादी के बाद शादी के पहले कहते कुछ बोलोगी, शादी के बाद कहते अब चुप रहोगी, शादी के पहले कहते आई लव यू, शादी के बाद कहते हैं ए ए ए पिंकी के पापा आलू लाओ, हालत मारा,
आपके सेवा में बढ़िया गीतों के साथ भैया जी आ रहे हैं जो कि धीरे धीरे चार बजने वाले हैं। अपने बढ़िया बढ़िया गीतों को समीर भैया लाइए और अब ज्यादा सवाल जवाब का ध्यान न देकर अपने स्वतंत्र बढ़िया गीत इन लोगों को सुनाइए। आइए स्वागत है।